जिंदगी में अगर आजादी का कोई मतलब समझता है तो वो है ये परिंदे। ना कोई फिक्र है, ना कोई बंदिश, जहां चाह वहां चल दिए। लेकिन ये ब्लॉग इन परिंदों के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है, जहां आज का दिन मैंने इन परिंदों की तरह बेफिक्र गुजारा। बात कुछ ऐसी कि पिछले कुछ दिनों से लाइफ में बहुत बोरियत सी महसूस हो रही थी, और वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से मेरा सिस्टम खराब था, तो ना तो कुछ प्रोडक्टिव किया और ना ही कुछ सीखा। इसके अलावा पिछले एक हफ्ते से बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बारिश को एंजॉय करते हैं, मतलब घर में पकौड़े बनेंगे, बैल्कनी में बैठकर बातें की जाएंगी। लेकिन हम दिल्ली वालों को बारिश में एंजॉय करने के बारे में सोचते ही दो चीज़ें याद आती है, पहला सड़कों पर भरा पानी और दूसरा ट्रैफिक जैम। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ हफ्तों से लाइफ में से एक्साइटमेंट बिल्कुल मिसिंग है। लाइफ माइनस एक्साइटमेंट इक्वल टू नथिंग। तो फाइनली आज सैटरडे 31 जुलाई, आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। आज चाहे आंधी आए, तूफान आए या बारिश आए, मुझे बाहर निकलना है, बिकॉज आई कांट सिट एनी मोर इन दिस रूम। मुझे चाहिए ताज़ी हवा, खुला आसमान और खुद के लिए थोड़ा स्पेस। तो एक्साइटमेंट की तलाश में मैं निकला अपने फेवरेट प्लेस कनॉट प्लेस की ओर। मौसम एकदम मस्त है, शायद बारिश हो सकती है, लेकिन उसका इंतजाम मैं करके चला हूँ। मेरी जो कार है वो पिछले 4 महीने से ऐसे ही खड़ी है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जब भी सेकेंड वेव का लॉकडाउन लगा था उससे पहले से वो कार ऐसे ही खड़ी है, तो इसलिए मैं अब कार निकालना थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ। दूसरा, अगर आपको दिल्ली के ट्रैफिक से बचना है और टाइम से थोड़ा पहले पहुँचना है तो बाइक इज प्रेफरेबल। लैला इज प्रेफरेबल। आज सैटरडे है और मौसम भी ठीक है, थोड़ी गर्मी है लेकिन चलेगा, उतना मैनेज कर लेंगे, बारिश नहीं है अभी फिलहाल। तो मैं, मेरे सामने पीछे कॉफ़ी हाउस, सामने मेरा हनुमान मंदिर है, यहाँ से मैं जाऊँगा इनर सर्कल। तो चलो सर चलते हैं। गर्मी हो गई है फिलहाल तो सडनली, जब घर से निकला था तो बारिश वाला मौसम था। मैंने सोचा जैसे तैसे करके स्मार्ट प्लेस पहुँच जाऊँ, उसके बाद बेशक 2-3 घंटे बारिश होती रहे फ़र्क नहीं पड़ता, घूमने को तो मिलेगा कम से कम। क्योंकि घर में बैठे बैठे तो मैं तो पक गया हूँ बिल्कुल, और पिछले 2 हफ्तों से घर में बंद है, और बारिश में छत पर खड़े होकर अड़ोस पड़ोस के गीले मकान देखने, मुझे तो कोई एक्साइटमेंट होता नहीं है। टॉट प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है, ये मेरे फेवरेट प्लेसेस में से एक है। इसलिए इस जगह में अकेला भी होता तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। इस जगह की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी जगह कैमरा लेकर निकलते हो तो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप कैमरा नहीं गन लेकर आए हो। आरसीपी में काफ़ी रौनक थी और लॉकडाउन के बाद लोगों को नॉर्मल लाइफ जीते देख थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो आरसीपी आने के लिए ना तो मैं किसी दोस्त से पूछा और ना किसी को अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा अकेला घूमने का मन था। आई रियली एंजॉइंग दिस सोलो ट्रिप। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली से बाहर जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में काफ़ी जगह है घूमने के लिए, सो वाई नॉट सिटी, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, लाल किला, दीज आर वेरी हैपनिंग प्लेसेस दैट हम कभी भी घूम सकते हैं। दोस्तों के पास टाइम नहीं है, सारे दोस्त बिजी हैं, तो दोस्तों तुम देख ही रहो। अगर आप दिल्ली आए हैं और कनॉट प्लेस नहीं घूमा तो फिर आप दिल्ली आए क्यों? सर वी हैव नोटिस कि आज मैं फॉर्मल्स में घूम रहा हूँ, तो इसका अभी रीज़न मैं बता देता हूँ कि यार घर में बैठे बैठे ना हम लोग टी शर्ट और लोअर में थक चुके हैं, पक चुके हैं, तो ये कपड़े जैसे अभी ख़राब होते जा रहे हैं, ख़राब इन द सेंस कि यूटिलाइज ही नहीं हो रहे, और वो फील जो आता था ना प्रोफेशनल फील आता था जो, वो मिसिंग है। मैंने कहा जब भी घूमने जा रहा हो ना तो भाई फॉर्मल्स कपड़े निकालो, फॉर्मल्स कपड़े पहनो, तो थोड़ा सा आपको वो आएगा प्रोफेशनलिज्म वाला फील आएगा, क्योंकि टी शर्ट और जीन्स पहन पहन के ना सारा टाइम निकल चुका है। एक्साइटमेंट जो मिसिंग था थोड़ा थोड़ा गेन हो रहा है। कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है और इसको हार्ट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। 1911 में जब देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक एलिट क्लास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कमी महसूस की, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ब्रिटिशर्स ने अपनी शॉपिंग करने के लिए बनवाया था, जो तब से अब तक कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन और बिजनेस हब बन गया है। ये पूरी जगह जॉर्जियन आर्किटेक्चर के हिसाब से डिजाइन की गई है। कनॉट प्लेस इनर सर्कल और आउटर सर्कल में डिवाइड है और दोनों सर्कल में 6-6 ब्लॉक हैं। अगर आपको नहीं पता तो सोचा बता दूं। तो मैं इस वक्त मिडल सर्कल में हूँ। मिडल सर्कल मतलब इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में एक सर्कल बनता है। कभी आपने सीपी को ऊपर से देखा है एरियल व्यू में? मैं आपको दिखाता हूँ एक शॉट, बहुत अच्छा लगता है देखने में।
गया, बारिश आ सकती है पॉसिबली। अभी मैं चाय ढूंढेगा, अपना फेवरेट चाय है, तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या खाना पीना है, क्या ख़रीदना है। ठीक है, बारिश आ जाएगी तो और मज़ा आएगा, जहाँ जाते टाइम देखेंगे बारिश का क्या करना है, लेकिन अभी बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। क्राउड बेस हमेशा से मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन रही है फिल्म शूटिंग के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर एक तो कैमरे की कोई रोक टोक नहीं है और दूसरा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा आता है। इस दीवार को पहचानते हैं आप? यहाँ पर हमने करेज की शूटिंग करी थी। करेज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दैट्स अ वंडरफुल शॉर्ट फिल्म दैट आई मेड, एंड थोड़ा साउंड इशू था उसके अंदर क्योंकि हमारे पास साउंड के इक्विपमेंट्स नहीं थे, बट मूवी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर मुकेश ने एक रैप सॉन्ग परफॉर्म किया था, मुकेश और रमन ने, एंड बहुत अच्छी खासी भीड़ लगी थी उस दिन यहाँ पर। सो आई वाज सर्चिंग दिस प्लेस, यहाँ पर मुकेश ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और ये गाड़ी उस टाइम खुली हुई थी रेड कलर की, इस टाइम तो इन्होंने ढक दिया इसको। बंदा बैठा हार के सोचे सुट्टा मार के क्या किया था पास्ट में, जो आज बैठा आस में तलाश में ये फेम के लोग जाने नेम। टीम इनकॉर्पोरेट ने जितनी मूवीज बनाई उसमें करियर एक बहुत अच्छी फिल्म रही है, और उस दिन जो हम लोगों ने जो हमारा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी यहाँ पर शूटिंग करते टाइम, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने कैमरा फेस किया था और वो भी पब्लिकली, तो बड़े मजा आए हम लोगों को, पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो पाए गिल्टी है ना, सो मैं पहुँचा हूँ जनपद, और जनपद दिल्ली का एक वेल नोन प्लेस है, पहले मेन रोड पर लगता था लेकिन अब इनके लिए सेपरेट एरिया दे दिया है, और यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगी, कपड़े जूते चप्पलें चूड़ियाँ बुंदे सब मिलेगा। 100 रुपये के चार आवाज़ लगा रही है आंटी इयर रिंग्स के लिए, तो इस जगह आप आ सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दी वेल नोन प्लेस और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, लाइक अगर आप सरोजनी नगर नहीं आ सकते, सरोजनी नगर काफ़ी दूर है मार्केट, तो ये जनपद इज़ दी वन दैट यू कैन विजिट। तो मैं आपको शॉप्स की मैं क्लिप दिखा देता हूँ, आपको फुटेज दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि यहाँ पर कैसे सेल होती है। और मैं यहाँ पर आज के दिन काफ़ी भीड़ नहीं है, सैटरडे है लेकिन फिर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। आज चीप है, यू कैन बार्गेन, अगर आपको लगता है कि चीज़ कोई भी प्रोडक्ट महंगा है तो आप उसके लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग इज़ द की टू सक्सेस। दिस इज़ जनपद, और यहाँ पर सर्दियों के दिन में जैकेट्स बहुत सस्ती मिलती हैं। मैंने ये भी देखा कि 250-250 रुपये तक की जैकेट यहाँ पर मिल जाती है, अच्छी बढ़िया। मोस्टली सरप्लस का माल होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत चीप माल है तो बेकार होगा, चल जाता है माल, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस दैट यू कैन विजिट, और छोटी छोटी चीज़ें आप शॉपिंग कर सकते हैं लाइक चप्पल इयर रिंग्स एक्सेट्रा। जनपद में कहलाता है, यहाँ बड़ी शांति रहती है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है घूमने फिरने के लिए, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके आगे यहाँ पर एक कबूतर चौक है जहाँ पर खूब सारे कबूतर होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चल के देखते हैं। तो दोस्तों आज का दिन कुछ यूँ गुजरा कनॉट प्लेस की सड़कों पर। जिंदगी में बोली दूर करने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, कई बार छोटी छोटी चीज़ों से भी रूह को खुशी मिल जाती है। आज पूरा दिन मैंने इन परिंदों की तरह गुजारा, जहाँ दिल किया वहाँ चला गया, जहाँ अच्छा लगा वहाँ रुक गया, और जब दिल किया तो घर लौट आया। जैसे मैंने कहा था कि अगर ज़िंदगी में कोई आज़ादी का मतलब जानता है तो वो है ये परिंदे। मैं तो कहता हूँ परिंदे बनो, हर रोज़ तो नहीं लेकिन जब जब खुद को अकेला पाओ, जब घर की चार दीवारी में दम घुटने लगे, या जब लगे कि खुद को थोड़ा स्पेस चाहिए, तब इन परिंदों की तरह जहाँ दिल चाहे चले जाओ। तो भैया मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ, आज कनॉट प्लेस आया था घूमने के लिए, और यहाँ बात कुछ ऐसी है।